बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली के आवास पर आधी रात को हमले की खबर है। जी हां, आधी रात अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने रंजीता कोली के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और हमले के दौरान सांसद बेहोश हो गई। हमले के बाद अज्ञात बदमाश सांसद के घर पर एक धमकी भरा पत्र भी चस्पा करके गए हैं। तो देखिए, सांसद के पोस्टर को क्रॉस कर कारतूस चिपका दिया गया है। ये बड़ी खबर, भरतपुर सांसद रंजीता कोली के आवास पर हमला किया गया है। आधी रात को अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग घर के बाहर की और हमले के दौरान बेहोश हुई सांसद। भवर पुष्पेंद्र इस समय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। भवर पुष्पेंद्र, ये आखिर किस तरह का ये पूरा मामला था और आखिर ये हरकत किसने की, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, जिस तरह से हमारी अभी उनके निजी सचिव से बात हुई है, कहा यह जा रहा है कि भरतपुर में जनसुनवाई करने के बाद रात को करीब 10:30 बजे वो अपने आवास बयाना पहुंची हैं। वहां पर खाना खाने के बाद जैसे ही वो सोने के लिए जा रही थी, लगभग 12 बजे का समय बताया गया है, जब बाहर से दो फायरिंग की आवाज आई, तो निकलकर जब घर वाले बाहर आए तो देखा कि उनका जो पोस्टर था वो चस्पा था दरवाजे पर, और उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाया हुआ था और उस पर दो कारतूस चिपका रखे थे। साथ ही वहाँ एक पत्र भी मिला है। इस समय आपको रोकना चाहेंगे, इस समय रंजीता कोली के पीएसओ दीपक कुमार जी हमारे साथ में हैं। दीपक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ है कल। हाँ मैडम, सर मैं एक्चुअली मैडम ने हमें 9:30 बजे भरतपुर पहुंची हैं, भरतपुर से बयाना घर पे आई है निजी आवास पे जी। और निजी आवास पे आने के बाद खाना वगैरह इन लोगों ने खाया है। खाना खा के 12 बजे के आसपास एक आवाज आई बहुत तेज, तो मैडम फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, नीचे आवाज आई तो लगा कोई बम वगैरह तो किसी तरीके से किसी बच्चे ने कुछ फोड़ा है या क्या करा, तो देख ले मैडम जनरली खुद चली जाती है वैसे भी अपने आप जी। तो ये जब गई तो उन्होंने देखा कि एक पोस्टर लगा हुआ है बहुत बड़ा, उनका फोटो, उस पे क्रॉस है और उस पे कोई एक पत्र चिपका हुआ था जो अभी हमने हमारे पास नहीं है, पुलिस के हैंड ओवर है वो जी। और दो उस पे जो गोलियां थी वो चिपकी हुई थी और एक गोली आधी नीचे पड़ी हुई थी चली हुई जी। दीपक जी, क्या लगता है आपको, कौन ये हमला करवा सकता है? मैडम मैडम तो 2 दिन से जनसुनवाई कर रही है और जिस तरीके से अवैध खनन पे काम कर रही है पिछले 1 साल से, तो अब ये चीज तो सरकार बताए, क्योंकि तीसरी बार हुआ है ये हमारे साथ ऐसा, तीसरी बार हुआ है। हाँ, माननीय सांसद जी के साथ एक बार ही पहले कोरोना टाइम में हुआ जी, फिर एक बार ये फरवरी में एक धमकी आया इनको अगस्त के टाइम पे जी। कौन हो सकता है इनके पीछे दीपक जी? अभी तक जिस तरह से आप बता रहे हैं तीसरी बार ये इस तरह के अटैक की तस्वीर सामने आई, कौन हो सकता है इसके पीछे? मैडम ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय, अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ बार बार ऐसे हो रहा फिर भी पुलिस उस पर कुछ नहीं करे तो कहीं ना, और अभी तक 8 बज गए हैं, कोई आला अधिकारी अभी तक एमपी साहब की सुध-बुध लेने नहीं आया है अभी तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी इस खास जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी भूपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, माफ कीजिएगा भंवर पुष्पेंद्र। भंवर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 बार ये अटैक हो चुका है और बताया जा रहा है कि खनन माफिया का जिस तरीके से खनन को लेकर के वो लगातार खुलासे कर रही है, तो क्या ऐसा कुछ मामला हो सकता है, क्या कोई बदला लेने की फिराक में? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है और खासतौर पर राजस्थान में महिला अपराधों की हम बात करें तो राजस्थान वैसे ही महिला अपराधों में नंबर 1 पायदान पर है, और जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कानून लॉ एंड ऑर्डर की किस तरह की स्थिति होगी। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी 3 बार पहले भी घटना हुई है, जिसमें 5 महीने पहले भी इनके साथ एक फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें एक बदमाश को काफिले पर हमला करने पर, माफ कीजिए, काफिले पर हमला किया था और बदमाश को हिरासत में लिया गया था, पुलिस ने पूछताछ की थी। और अब वहां जब जो लेटर मिला है, पुलिस को जो लेटर मिला है उसमें लिखा गया है कि आप दलित हैं, दलित बनकर रहें, ज्यादा उड़े नहीं तो तुम्हारा वही असर होगा जो पहले किया गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की दुर्भावना से ये सब काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले बीजेपी के एक पूर्व एमएलए के साथ भी इस तरह की घटना हुई थी, पत्थर से उन सर पर चोट पहुंची थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, एमएलए सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं है, तो राजस्थान में कानून व्यवस्था बिल्कुल भंवर पुष्पेंद्र। और यही सवाल भी खड़े होते हैं कि 3 बार इस तरह का अटैक हुआ, एक के बाद एक अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो यहाँ का प्रशासन, सरकार आखिर क्या कर रहा है?